एमपी की सभी विद्युत कंपनियों को लौटाना होगा अवैध रूप से वसूले गए असेस यूनिट खपत की राशि को। क्या एमपी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज उपभोक्ताओं को अवैध रूप से वसूली गई असेस यूनिट की राशियों को वापस लौटाएगी? मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जो आदेश पारित किया है वो अब असेस यूनिट पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिया है, लेकिन पूर्व में जो विद्युत कंपनियों ने असेस यूनिट की राशियां वसूली थी, क्या उन्हें उपभोक्ताओं को वापस करने के हेतु आदेश जारी किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो क्या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं को असेस यूनिट का पैसा वापस लौटाने या उन्हें समायोजित करने का आदेश पारित करेगा? अब मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां पशुपेश में हैं, या तो वो उपभोक्ताओं को अवैध रूप से वसूली गई असेस यूनिट की राशियों को वापस लौटाएं, या फिर पूर्व में वसूल की गई अवैध राशियों का नए बिलों में समायोजन करें, या उसे फिर उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मान्य करें। उपभोक्ता या तो उसे समायोजित करवाएं या फिर उसे सुरक्षा निधि में परिवर्तित करवाएं। यहाँ पर पिछले 12 वर्षों के जो रिकॉर्ड हैं, पिछले 12 वर्षों से बिजली कंपनियां असेस यूनिट आकलित खपत के द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रही थी। पिछले 12 वर्षों में जितनी भी अवैध वसूली की गई उसको क्या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग समायोजन या वापस करने हेतु आदेश पारित करेगा? अभी जो आदेश पारित हुए हैं कि बिना मीटर के बिल नहीं जारी होंगे, लेकिन जो पिछले 12 वर्षों से जो प्रक्रिया संचालित हो रही थी अवैध धन वसूली की, उस राशि का क्या? सबसे विचारणीय पहलू है कि अवैध वसूली भी कर रही थी कंपनियां और साथ ही साथ हानियां भी बता रही थी। ये समय समय पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग को शिकायत के रूप में संज्ञान हेतु शिकायत प्रेषित की गई। अच्छे से अच्छे मीटर भी क्यों नहीं दे रहे मीटर रीडिंग का उपहार, ये सब शिकायतें की गई। और इन शिकायतों के ऊपर ऊर्जा मंत्रालय का ही उड़ा दिया फ्यूज। मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्रालय का अस्तित्वहीन औचित्य हो जाने का पर्दाफाश। ये देखिए, ये खबर फरवरी में संज्ञान में लाई गई। खुद याचिकाकर्ता प्रभात भट्ट द्वारा ऊर्जा मंत्रालय का ही उड़ा दिया फ्यूज शिकायत को संज्ञान में लाया गया। और इस पर पिछले 12 वर्षों से जिस तरीके से मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां अवैध वसूली कर रही थी उपभोक्ताओं से, उसका पर्दाफाश किया गया। आज मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जो याचिकाकर्ता की शिकायतों पर जो कार्रवाई की है वो एक तरफा की है। वो पिछले 12 वर्षों से अवैध वसूली के संबंध में आदेश क्यों नहीं पारित कर रहा है? 2003 में जब मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश विद्युत
मंडल भंग हुआ, उसके बाद नई कंपनियां बनी। नई कंपनियों ने किस तरीके से मनमाना रुख अख्तियार कर विद्युत उपभोक्ताओं से खिलवाड़ किया, उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। क्या राज्य की हाईकोर्ट जनहित याचिका में पिछले 12 वर्षों से विद्युत कंपनियों द्वारा वसूली गई आकलित खपत की राशि को वापस लौटाने का जनहित में आदेश पारित करेगी या समायोजन करवाएगी या फिर उन्हें सुरक्षा निधि के रूप में परिवर्तित करवाएगी?